This is Ramhir and I welcome to you all to Raptek Classes YouTube channel. तो आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट चैप्टर सेकंड का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, लोड्स के बारे में देख लिया था कि कितने प्रकार की होती है, कंप्रेसिव लोड, टेंसाइल लोड और एक्सियल लॉन्गिट्यूडल ट्रांसवर्स, ये सब चीजें देख ली थी कि ये सब कौन से लोड होते हैं, इनको मतलब किसको क्या नाम देते हैं. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के बारे में हम देखने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में. तो स्ट्रेस क्या बताया था, स्ट्रेस को यानी प्रतिबल. ठीक है, स्ट्रेस मीन्स प्रतिबल. प्रतिबल बताया था इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. यानी कि किसी बॉडी पर जब कोई कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स या ट्रांसवर्स फोर्स, कोई भी फोर्स जब लगाते हैं उस पर, ठीक है, उस पर जब हम कोई कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो वो अपने अपने जो ओरिजिनल कंडीशन में है उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करता है. तो जो डिफॉर्म करने की कोशिश करता है तो उस डिफॉर्मेशन को जो अपोज करता है, ठीक है, जो अपोज करता है, यानी कि अगर इस मार्कर की बात करें तो इसको खींचे तो ये टूटने की टेंडेंसी, मतलब टूटने की कोशिश, टूटना तोड़ना चाह रहा है कौन सा, मतलब ये मार्कर, यानी ये जो लगा रहे हैं फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है उस इस मार्कर को या इस बॉडी को क्या कर रहा है, डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन इसको अपोज करने के लिए एक इंटरनल स्ट्रेस, इसमें इंटरनल फोर्स जनरेट होता है, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल. आंतरिक प्रतिरोधी बल और इसके एरिए, जिस क्रॉस सेक्शन में लग रहा होता है फोर्स, उस एरिए को क्या कहते हैं, के अनुपात को कहते हैं स्ट्रेस या प्रतिबल कहते हैं. तो बताया था इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स. जैसे एग्जाम्पल में देखें, ये कोई बॉडी है, ठीक है, 3D बॉडी बना के दिखाते हैं, ये मान लेते हैं, ज़ूम करते हैं, ये 3D बॉडी है, ठीक है, ये 3D बॉडी है और इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स मान लेते हैं लगा रहे हैं. तो इसको क्या करने, इस बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, समझ लीजिए ये बॉडी है, इसको खींच रहे हैं, तो यानी ये बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा और इनके ट्रांसवर्स, यानी इसके जो अदर डायरेक्शंस हैं उनको क्या कर रहा होगा, कम करने की कोशिश कर रहा होगा. तो इसमें एक प्रकार का एक फोर्स जनरेट होता है जो इसको अपोज करता है, किसको, इस डिफॉर्मेशन को, ठीक है, इस डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहा है. ये क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए कोई एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, ठीक, कोई एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन. तो यहाँ पर अगर देखें, कट करके देखें, तो यहाँ पर ये अपोज कर रहा होगा फोर्स, यानी ये तो ये फोर्स को क्या कर रहा है, अपोजिंग, अपोज करने वाला फोर्स यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा. इस अपोजिंग फोर्स, यानी अगर इसके, इससे ज्यादा इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है तो इसको बैलेंस कर लेगा, फिर इसके इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से ज्यादा लगा देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, यानी फेल हो जाएगा, यानी ये डिफॉर्म हो जाएगा. तो यही, इसी को कहते हैं, इस फोर्स को जो इसको रजिस्ट कर रहा है, इसे ही कहते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स. ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स या इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स internal resisting force to
क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक, जिस क्रॉस सेक्शन में लग रहा है फोर्स, यानी ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से, प्रतिबल को सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, या लिख सकते हैं आंतरिक प्रतिरोधी बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल, और यहाँ पर लिखेंगे एरिया। ये हो गया प्रतिरोध, ये हो गया प्रतिबल यानी स्ट्रेस। अब देखेंगे कितने प्रकार का स्ट्रेस जनरेट होता है किसी बॉडी में। बताया था टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, ठीक है। इस बॉडी को अगर खींच रहा है, ठीक है, फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है किसी बॉडी को, तो वो हो जाएगा वहां पर यानी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो वहां पर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करेगा, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करेगा यानी कि तनन प्रतिबल। कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है यानी कि किसी मेंबर को क्या करना है, ऐसा डिफॉर्म करना चाहता है, उसकी लंबाई चौड़ाई या उसके डायमेंशन क्या करना है कम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कहेंगे कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर शेयर करने की कोशिश कर रहा है यानी दो बॉडी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, शेयर बीच से कहीं शेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कहते हैं शेयर स्ट्रेस, ठीक है। अब देख लेते हैं एक एक करके, यहाँ स्ट्रेस लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस यानी प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार के प्रकार। अभी बताएं टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस। तीनों को डायग्राम द्वारा पहले देख लेते हैं, फिर उसको डिफाइन कर देंगे। कि यहाँ पर देखते हैं टेंसाइल फोर्स स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बॉडी है जिस पर कैसा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल यानी टेंसाइल तनन बल लग रहा है, तनन बल, तो इसलिए इसे कहेंगे टेंसाइल फोर्स को तनन प्रतिबल। टेंसाइल स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, तनन प्रतिबल, तनन प्रतिबल। कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस यानी कि कर्तन प्रतिबल, जैसे ये बॉडी है टेंसाइल स्ट्रेस को डिफाइन कर रहे हैं, तो तनन फोर्स लग रहे हैं यानी टेंसाइल फोर्स लग रहा है। टेंसाइल फोर्स मान लेते एफ लग रहा है, ठीक है, एफ टेंसाइल फोर्स एफ लग रहा है, और ये एरिया है ए, ठीक है, एरिया है कितना, कैपिटल ए। ये इसको डिफाइन करेंगे सिग्मा टी यानी टेंसाइल, टी होता है टेंसाइल, सिग्मा मींस स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू क्या, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यानी जो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा तो वही एफ के बराबर है यहाँ पर, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया भी देखा है, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल, तो आंतरिक प्रतिरोधी बल यानी किसी फोर्स को बैलेंस कर रहा है इधर, तो एफ बाई ए, एफ बाई ए। ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी इस बॉडी को क्या कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है या करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स है। मान लेते हैं एफ सी इसको ले लेते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव सी कंप्रेसिव और फोर्स एफ से फोर्स हो गया, ठीक है, यहां पर ले लेते हैं एफ टी, ये टेंसाइल हो गया, ये कंप्रेसिव की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा सी यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कितना दिया है, एफ सी, जो कंप्रेस वाला फोर्स दिया गया है वो कितना दिया है, एफ सी दिया गया है, तो एफ सी अपॉन ए यानी कंप्रेसिव फोर्स, या कंप्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं शियर स्ट्रेस है, यानी ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी रखी है, ये इसको क्या करना चाह रहा है, इस धर फोर्स लगा के
फोर्स लगा के ये जो यहाँ पर मान लेते हैं कोई रिवेट लगा है, ठीक, इस ये रिवेट लगा हुआ है, इसी रिवेट से ये ज्वाइंट है, ठीक है। तो क्या करना चाह रहा है, इस रिवेट को या इस कनेक्शन को ये जुड़ा हुआ जो पार्ट है इसको शेयर करना चाह रहा है, यानी ये जो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक, ऐसे जुड़ा हुआ है। तो क्या कर रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, किस लिए, इसको शेयर करने के लिए, ठीक है, तो इसको शेयर करने के लिए, यानी यहां पर क्या लिखेंगे, एफ एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसको शेयर करने के लिए, इसको तोड़ना चाह रहा है, ऐसे करके देखेंगे ये है। अब ये अगर खिंच जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी कि ये जो पार्ट है इधर चला गया, टूट गया, और ये पार्ट यहां गया, ठीक है, यानी शेयर हो गया। तो ये जो फोर्स लगेगा और ये जो एक दूसरे को कनेक्ट किए हुए हैं इस एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर शेयर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करेंगे, सिग्मा सॉरी फोर्स अपॉन एरिया एफ वाई ए, कौन सा फोर्स, शेयर फोर्स, शेयर फोर्स, ठीक है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ऐसे ये चीजें आके पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बस जस्ट इसका वो देख लेते हैं कि हाँ होता क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये हुआ शेयर फोर्स अपॉन एरिया, तो इसे कहेंगे शेयर स्ट्रेस, यानी कर्तन प्रतिबल। शेयर स्ट्रेस को या शेयर स्ट्रेस को डिफाइन करना हो तो बोलेंगे किसी बॉडी में, किसी बॉडी में उसपे जो टेंसाइल या बोलेंगे तन बल लगा हुआ है, तनन बल अपान एरिया या इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया के, इसको क्या कहते हैं, रेशियो को कहते हैं शियर स्ट्रेस, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव, यानी संपीडन बल अपान एरिया, संपीडन बल और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस या संपीडन प्रतिबल। शियर स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, जो शियर फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स और ये जो ज्वाइंट लग रहा है फोर्स, मतलब एक दूसरे से जो कनेक्टेड है उस एरिया को लेंगे, ठीक है, अपॉन एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेन, यानी विकृति, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेन यानी विकृति, नेक्स्ट स्ट्रेन यानी विकृति, स्ट्रेन होता क्या है, विकृति, स्ट्रेन मीन्स होती है विकृति, यहां पर विकृति होता क्या है, विकृति होता है चेंज इन डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी भी में जो चेंजमेंट होता है और उसके ओरिजिनल डायमेंशन, यानी जो उसका प्रारंभिक लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है जो भी है उसके अनुपात को, यानी जो चेंज हो गया और ओरिजिनल के अनुपात को, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन के अनुपात को क्या बोलते हैं, विकृति यानी स्ट्रेन। किसी भी डायमेंशन में जो भी चेंजमेंट हुआ है इसे बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, या किसी पिंड में फोर्स के द्वारा हुए परिवर्तन तथा उसके प्रारंभिक बीमा में बीमा के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, यानी किसी भी बीमा के चेंज इन डायमेंशन यानी बीमा में परिवर्तन, ओरिजिनल डायमेंशन यानी प्रारंभिक बीमा,
के अनुपात को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, विकृति कहते हैं, इसे एप्साइलन से डिनोट करते हैं। इन्हें लिख सकते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि विमा में परिवर्तन, विमा में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विमा, तथा प्रारंभिक विमा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर यहां पर कोई बॉडी है, ठीक है, यहां कोई बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगा दी, ठीक है, इस पर फोर्स लगा दी, लंबाई एल थी, ठीक है, ये लंबाई कितनी थी, एल थी, और इसमें कुछ चेंजमेंट आ गया है, यानी कुछ अब यहां पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स मान लग रहा है, यानी तनन बल लग रहा है, तनन बल लग रहा है, इसके अंदर भी इसके लंबाई में परिवर्तन हुआ, यानी कि बढ़ेगा। जब बढ़ गया तो ये ओरिजिनल हमारा एल था, लेकिन ये बढ़ गया, जो कितना बढ़ गया, एल टेस्ट या स्मॉल लंबाई मान लेते हैं, ये एल था और ये कितना बढ़ गया, डेल्टा एल की लंबाई में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृद्धि यानी चेंजिंग विमा में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा एल हुआ, ठीक है, ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, कैपिटल एल थी, ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, यानी लंबाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई, इसे कहते हैं स्ट्रेन या विकृति कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कि टाइप्स ऑफ विकृति यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन यानी विकृति कितने प्रकार की होती है, देख लेते हैं यहाँ पर कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन यानी विकृति के प्रकार, विकृति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो सकता है, यानी कि अनुप्रस्थ हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है अनुदैर्ध्य, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को बोलेंगे अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति, सॉरी अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति, लेटरल मींस पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति, नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन मींस कर्तन विकृति, कर्तन विकृति, ठीक है, नेक्स्ट है कर्तन विकृति। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई के समानांतर, लंबाई में अगर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब मुझे पता चल रहा है यहाँ पर कि लंबाई में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, यानी कि जब फोर्स यहाँ पर लगाया जा रहा है तो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। लेटरल मीन्स लंबाई के, लंबाई के पर, लंबाई के परपेंडिकुलर यानी लंबाई के लंबवत में हो रही वृद्धि, या सॉरी लंबाई के में जो चेंजमेंट हो रहा है उसको देखेंगे यहाँ पर। सीएर में जब क्या होता है, यानी थ्री डी व्यू में देखेंगे सीएर हो रहा है, सीएर होने की कोशिश कर रहा है, वहां पर विकृति जो आ गई। तो यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या बोल रहे हैं, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है और ओरिजिनल लंबाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे। तो यहाँ पर लंबाई में हो सकता है चेंजमेंट में क्या हो सकता है, हो सकता है टेंसाइल फोर्स लग रहा है, हो सकता है कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यानी कि लंबाई बढ़ भी सकती है और लंबाई घट भी सकती है, केवल लंबाई में चेंजमेंट होता है, जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
यानी जैसे अगर हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से देखें, ये कोई बॉडी है, 3D में देख लेते हैं इसको, ये L इसकी लंबाई हो गई, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो इसे गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये लंबाई हो गई L, ठीक है, ये लंबाई हो गई L और इसकी चौड़ाई हो गई B, ठीक है। ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी बी और ये एच हो गया इसकी हाइट, यानी एल लंबाई होगी, बी हो गया इसका विड्थ और एच हो गया इसका हाइट, ठीक। कोई बीम है ये हमारा और इस पे मतलब इसके डायमेंशन बता दिए, एल बी एच है और इस पर फोर्स जो लग रहा है टेंसाइल फोर्स मान लेते हैं, लग रहा है एक्टिव यानी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो दोनों साइड लगेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर चेंजमेंट जो आएगा लंबाई में भी आएगा, यानी लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा। अगर इसकी बात करें, इस डस्टर की बात करें, लंबाई अगर इसकी बढ़ेगी तो क्या होगा, चौड़ाई और गहराई, ये चौड़ाई यानी ये पार्ट चौड़ाई, टॉप व्यू से देखें चौड़ाई और ये गहराई, तो यानी ये दोनों घटेगा, यानी जब ये लंबाई बढ़ेगा तो ये दोनों डायमेंशन क्या होंगे, घटेंगे, सिकुड़ेंगे, ठीक है, तभी तो ये बढ़ेगा। तो यहां पर देखें कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, यानी एप्साइलन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एल से लॉन्गिट्यूडनल हो गया, स्ट्रेन से विकृति, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यहां पर डेल्टा एल अपान एल लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, कि जो लंबाई में चेंजमेंट हुआ, ये लंबाई के थ्रू जो चेंजमेंट हुआ, ये कितना हुआ, डेल्टा एल हुआ, टेंसाइल फोर्स लग रहा था इसलिए बढ़ेगा, तो यहां पर डेल्टा एल अपान एल लिख दिए, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन यानी कि जो लेटरल सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल लंबाई के लंबवत जो भी है, जैसे लंबवत उसके क्या है, बी भी है और एच भी है, यानी एक्स एक्स एक्सिस मान लेते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस था, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाई होगा और ये क्या होगा, ये होगा जेड, ठीक है, ये होगा जेड। तो यानी कि एक्स एक्सिस में अगर लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है तो वाई और जेड में क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। तो वाई और जो जेड को अगर लंबाई में इधर फोर्स लग रहा है, लंबाई एक्स के थ्रू रखा है, तो वाई और जेड क्या हो जाएंगे, उसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी उसके लंबवत हो जाएंगे। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, अब साइलेंट लेटर में क्या लिख सकते हैं, इसको एल से लिख दिया तो उसको एन टी से लिख दो, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन कैसे लिखेंगे, बी में, यानी लेटरल में जितनी चेंजमेंट हुई और उसकी ओरिजिनल, तो विड्थ मान लेते हैं, विड्थ में चेंजमेंट अपॉन ओरिजिनल विड्थ इक्वल टू, या इसको लिखते हैं फिर से, अगर हाइट की बात करें या जेड एक्सिस की बात करें वाई एक्सिस, ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड अपॉन एच, यानी कि ओरिजिनल हाइट नहीं, चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेटरल स्ट्रेन या लेटरल विकृति, पार्श्व विकृति, ठीक है। अगर शियर स्ट्रेन की बात करें यहां पर, तो शियर स्ट्रेन मानते हैं कि कोई बॉडी रखा हुआ, ठीक है, ये रिजिड है यानी फिक्स है, ठीक है, ये नीचे से क्या है, फिक्स है, इस पर अगर हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, या इसको खींच रहे हैं, मान लेते हैं टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, इसको अगर खींचेंगे तो क्या होगा, यहां पर तो फिक्स है यानी फिक्स है, तो क्या होगा, इसमें चेंजमेंट आएगा ना, इसमें चेंजमेंट आएगा, ये चेंजमेंट आएगा, यानी सीयर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फिक्स है, अगर ये कोई फिक्स नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, चला जाएगा साथ में, ठीक है, खींचने पर, तो क्या है, यहाँ पर फिक्स है, तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ एंगल पर ये डिफॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ एंगल पर विकृति आ जाएगी, ठीक है, यानी कुछ एंगल का डिफॉर्म हो जाएगा, यानी विरूपण हो जाएगा उसका, तो यानी कुछ चेंजमेंट आ जाएगा। मान लेते हैं ये डी था, सी था और बी था और ये ए था, ठीक है, ए था। तो अब यहां पर हम जो ये होगा टेन थीटा निकालेंगे, यहां पर टेन थीटा,
या टेन फाइव परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया हमें जो टेंजेंट हुआ इस सी डैश पे पहुंच गया और ये खींच करके डी डैश पे पहुंच गया, तो जो टेंजेंट कितना हुआ टेन फाइव इसका इक्वल टू निकाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो डी डैश अपॉन अपॉन ये हाइट कितनी होगी ए डी होगी। ठीक है, इसको सेम चीज लिख सकते हैं सी सी डैश, सी सी डैश अपॉन ये परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। ठीक है, एंगल के सामने वाला हमेशा जैसे यहां पर देखें फाइल निकाल के देखें इसी को यहां पर बस रख रहे हैं पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये सी डैश हो गया ये सी और ये क्या है बी है, तो टेन थीटा इसका निकालें तो क्या आएगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी सामने वाला सी सी डैश अपॉन बेस यानी ये बी सी। ठीक है, ये बी सी हो जाएगा बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है बहुत स्मार्ट डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो चेंजमेंट आएगा वो बहुत ही कम आएगा, इसलिए यहाँ पर थीटा को क्या करते हैं टेन थीटा या टेन टेन फाइव को सॉरी टेन फाइव को फाइव के बराबर कर देते हैं पुट कर देते हैं, तो ये हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पुट कर सकते हैं फाइव इंटू डी डी डैश अपॉन ए डी इक्वल टू सी सी डैश अपॉन बी सी, यानी यहाँ पर जो स्ट्रेन आ रहा है सीरियल स्ट्रेन आ रहा है वो फाई है सीरियल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें टाइप्स ऑफ सीरियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में आज डिटेल में देखा। ठीक है, अभी इसके इसमें एक और हो सकता है, क्या हो सकता है लेटरल स्ट्रेन लेटरल लॉन्गिट्यूडनल और शेयर हो गया, यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हो सकता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी आयतन विकृति आयतन विकृति में क्या है कि जो फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, मान लेते हैं ऐसे कोई बॉडी रखी है ये ऐसे इस पर क्या लग रहा है कोई फोर्स लग रहा है, तो इसके पूरे आयतन में जो भी चेंजमेंट होगा ठीक है अपॉन ओरिजिनल आयतन। ठीक है, उसे क्या लिख सकते हैं चेंज इन मतलब इसे कैसे डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन वी, तो चेंज इन वी यानी लंब आयतन में परिवर्तन और अपॉन ओरिजिनल आयतन। ठीक है, इसको डिफाइन कर सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ये है आयतनिक विकृति, तो आयतन में परिवर्तन और इसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं आयतन विकृति कहते हैं। ठीक है, आयतन विकृति कहते हैं यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसे एप्सिलॉन वी से डिनोट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे इसके आके प्रोसीड की जाएगी। थैंक यू।